अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स कोड 1350 का चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और हमने अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेना है। आपकी बुक का अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि फाइंड थ्री कंसेक्टिव नंबर्स द सम ऑफ हू स्केयर इज 302। यानी कि आपने तीन कंजेक्टिव नंबर्स फाइंड करने हैं कि अगर आप उनके स्केयर रूट्स को आपस में ऐड कर देंगे तो उसका आंसर 302 के इक्वल होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसमें आप सिंपल क्या करते थे, कंजेक्टिव नंबर्स ले लेते थे। एग्जांपल्स में भी देखें तो कभी आपने ऑड कंजेक्टिव नंबर्स लिए और कभी आपने इवन कंजेक्टिव नंबर्स लिए, लेकिन आप सिंपली क्या करते थे कि उन कंजेक्टिव नंबर्स को ऐड करते थे या माइनस करते थे तो वो वाला गिवन वैल्यू आ जाती थी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है और चेंज ये है कि आपने कंजेक्टिव नंबर तो लेने हैं लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आपने ऑड कंजेक्टिव नंबर्स लेने हैं या आपने इवन कंजेक्टिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि आप ऑड कंजेक्टिव नंबर्स ले लें या इवन कंजेक्टिव नंबर्स ले लें, बस वो कंजेक्टिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ऑड हो या इवन हो, या आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन पहले आप सिंपल उन नंबर्स को लेते थे और आपस में ऐड कर देते थे, माइनस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने वो जो भी कंजेक्टिव इंटीजर्स सपोज करने हैं उनका आपने स्क्वायर रूट को आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो यानी कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उन कंजेक्टिव नंबर्स को सपोज करेंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कंजेक्टिव इंटीजर है, तो अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट कंजेक्टिव ऑड इंटीजर इज 302 नहीं करे क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने कंजेक्टिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, ऑड इवन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम भी यहाँ पे ऑड इवन नहीं मेंशन करते। ठीक है, फर्स्ट कंजेक्टिव नंबर हमने सपोज कर लिया एक्स, सेकेंड कंजेक्टिव नंबर सेकेंड हमने सपोज कर लिया x प्लस 1। ठीक है, और थर्ड हम कंजेक्टिव नंबर सपोज कर लेते हैं x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमने तीन कंजेक्टिव नंबर सपोज कर लिए हैं और इन्हीं को यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे और हम अपनी गिवन वैल्यू 302 को लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंजेक्टिव ऑड इंटीजर सपोज किया एक्स, फिर एक्स प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 2। तो आप चाहे तो एक्स प्लस 1 फर्स्ट पर सपोज कर लें, फिर एक्स प्लस 2 सेकेंड पर सपोज कर लें और फिर एक्स प्लस 3 थर्ड नंबर सपोज कर लें। ठीक है, तो बस नंबर कंजेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन से नंबर सपोज करें, आपका आंसर हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने चलना है और कंडीशन हमारे पास क्या है, पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि आपने वो जो तीन कंजेक्टिव ऑड इंटीजर्स किए हैं उनका आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो यानी कि पहला जो मैंने सपोज किया है वो मैंने सपोज किया है x, फिर मैंने सपोज किया है x प्लस 1, फिर मैंने सपोज किया है x प्लस 2। तो ये मैंने तीन कंजेक्टिव नंबर सपोज किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो आपने तीन कंजेक्टिव नंबर सपोज किए हैं इनका आपने लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, सबका इंडिविजुअली आपने लेना है स्क्वायर रूट। जब आप इनके स्क्वायर रूट को लेंगे उनसे आपके पास जो आंसर आएंगे उनको आपने आपस में सम कर देना है। सम का मतलब होता है जमा करना, कि आपने इनके स्क्वायर रूट्स लेने और उनको आपस में ऐड कर देना है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर इक्वल होना चाहिए 302 के। ठीक है, तो अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारा आंसर 302 के इक्वल आया तब हमारा ये ठीक होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको आगे कैरी ऑन करना है कि ये हमारा यहाँ तक हो गया, अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो x का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है, x का स्क्वायर रूट लेने से भी x स्क्वायर ही आता है। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे देखें ये अगर इस चीज़ इस सिचुएशन पे आप फोकस करें तो ये एक फार्मूला की सिचुएशन और फार्मूला की कंडीशन होती है। एक फार्मूला होता है आपने अक्सर पढ़ा होगा मैथ, जब से स्टार्ट हुए तब से आप पढ़ेंगे, ए प्लस बी
और ऊपर क्या आता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी ऊपर होता है स्क्वायर रूट, और इसको जब ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मैथ के अंदर बहुत कॉमन फार्मूला है और अक्सर आपने यूज़ किया होगा, प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन पे फोकस करें, यहाँ पे ये एक वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी होती है हमेशा, ये फर्स्ट वैल्यू हमारी ए की वैल्यू होती है और सेकंड हमारी बी की वैल्यू होती है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इस पे देखें तो ये क्या ए की वैल्यू है, प्लस है, बी की वैल्यू है और ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इस फार्मूला पे फोकस करें तो ये भी क्या है ए प्लस बी और उसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये तो हमारे पास गिवन है ना, ये देखें ये तो हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा डन है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने अपने इस फार्मूला को ओपन करना है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास x, तो यहाँ पे हम लेंगे x का स्क्वायर प्लस उसके बाद फार्मूला का 2 लगाएंगे, फिर हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, फिर हमने b की वैल्यू लेनी है, फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास क्या 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि फार्मूला में प्लस है, तो हम भी यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और फिर 1 के ऊपर फार्मूला में क्या लिखा हुआ है स्केयर, तो यहाँ पे हम भी क्या लगा देंगे स्केयर और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट को इसलिए क्लोज कर देंगे क्योंकि हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में फिर हमें आसानी रहेगी, ठीक है। ये एक ब्रैकेट क्लोज होगी, अब फिर प्लस का साइन लगाएंगे। मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा इस साइड पर कर रही हूँ, ठीक है, एक बार मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर जगह कम हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब फिर इस सिचुएशन पे फोकस करें तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये प्लस है, ये बी की वैल्यू है और उसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो दोबारा यही वाला ये फार्मूला बन रहा है, तो जिसको ओपन करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या लेना होता है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास ये ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स, एक्स का हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला की वजह से आएगा। फिर हमने ए की वैल्यू लेनी है और ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अपने देखें ब्रैकेट के अंदर एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फार्मूला में देखें बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हमारे पास बी की वैल्यू हमने लेनी है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और 2 का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, और फिर हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यानी कि इस कंडीशन को, इस फार्मूला को सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू आई हैं, और इसको हमने सिंपली ओपन कर लिया था क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसको अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स का स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2x प्लस 1 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 1 ही आता है, प्लस x का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है, प्लस 2x और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 4x प्लस 2 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है 4। तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमने क्या करना होता है कि एक जैसी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, एक जैसी वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर लेना होता है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना होता है, सेम पावर की वैल्यूज़ को भी इकट्ठा कर लेना होता है। तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये तीनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस है तो ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी मैंने लिख ली, ये भी लिख ली और ये भी, इसको भी मैंने अरेंज कर लिया। उसके बाद ये वैल्यू 2x और ये 4x, ये दोनों सेम है, तो हम इसको करेंगे 2x प्लस 4x, इनको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद 1 और 4 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और इनको हम एक साथ लिख लेंगे 1 और 4। अब इनको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 1, ये इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें यहाँ पे क्या है 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1, 2, 3 इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 है और ये 4, 2 और 4 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 6x। उसके बाद 1 और 4 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा आंसर किसके इक्वल होना चाहिए था,
ये सारा आंसर यहाँ पे मैंने जो खत्म किया था 302, जगह कम होने की वजह से आप जब सॉल्व करेंगे आपके पास जगह होगी तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर इक्वल होना चाहिए 302 के, ये आंसर इक्वल होना चाहिए 302 के, और ये आंसर इक्वल होना चाहिए 302 के। तो यहाँ तक हमारा हो गया। आप देखें कि यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास 3x², ये सॉल्व नहीं हो सकता, और ये 6x ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं हो सकते? इसकी पावर और है, इसकी पावर और है, ठीक है। इसकी पावर स्केयर है, इसकी पावर 1 है, तो ये आपस में नहीं सॉल्व हो सकते। लेकिन देखें ये 302 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये स्क्वायर रूट के इस साइड पे है, ये उस साइड पे है, तो ये 5 की जब हम साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इसका साइन चेंज होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है। तो प्लस 5 जब इसकी साइड चेंज हो गई, ये माइनस 5 हो जाएगा। अब 302 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 297, ठीक है। तो इसमें से 302 में से हमने जब 5 की वैल्यू को माइनस किया तो 297 हमारे पास आंसर आया, तो हम यहाँ पे 297 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3x² + 6x यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, आपने बहुत सारी इक्वेशन आप सॉल्व कर ली है, एग्जांपल्स में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और उसके बाद अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसमें भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुकी हैं, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि जब भी एक्स की पावर 2 आ रही होती है तो इट्स मीन वो आपकी कौन सी इक्वेशन होती है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर आप इस इक्वेशन, या आपकी इक्वेशन बन गई है ना, जब इक्वल टू का साइन आ जाता है वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन की अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माइंड में लेके आएँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है कि पहली वैल्यू x² होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी x² है। फिर एक वैल्यू होनी चाहिए जिसकी जिसकी पावर 1 हो, तो ये वो भी है, और एक वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो भी है। तो यानी कि ये जो आपके पास इक्वेशन क्रिएट हुई है, यहाँ तक वैल्यूज़ को सॉल्व करने से ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आपने क्वाड्रेटिक मेथड से आगे सॉल्व करना है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके ऊपर ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको पता है कि 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं? फैक्टराइजेशन मेथड भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, ठीक है। अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन कवर किया था, इसमें देखें लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या थी, उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, और उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा था। तो ये हमारे पास देखें, फर्स्ट इसकी कौन सी x² वाली वैल्यू है, फिर सिंपल पावर 1 वाली, और फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हमने सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फिर हमने इसको सॉल्व किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, फिर हमने सेम इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, और अब फिर हमने लास्ट पे हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था। ये हमारे पास ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन नहीं थी, तो हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद इसको हमने किस फार्मूला से सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास इस टाइम कंडीशन क्रिएट हो गई है ना, 3x² + 6x = 297, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो आप जिस मेथड से भी सॉल्व करेंगे ना, आपका आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट मुझे जो सारे मेथड में से आसान, और जो लगता है ना कि इससे आंसर जल्दी आ जाता है, वो मुझे लगता है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है, बाकी से लेंथी हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे क्या आंसर आया था हमारे पास, मैं यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ, ठीक है, फिर उसको फर्दर सॉल्व करने में आसानी रहेगी। हमारे पास आंसर आया था 3x² + 6x = 297, ठीक है, यही हमारे पास आंसर था ना, 3x² 6x। अच्छा, अब आपको पता है कि हम मैथ का होता है कि आप अपने इक्वेशन को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लें, उसको सिंप्लीफाई करके आसानी रहती है, ठीक है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि मैंने, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इक्वेशन ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि ये हमारे पास सिंपल वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ईच टर्म को हमने डिवाइड कर देना होता है इस वैल्यू से जो साथ गिवन होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म
बाय थ्री, क्यों मैं ये थ्री को कैंसिल करना चाहती हूँ, ठीक है। इस थ्री को अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी और फिर इनको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब भी आपका आंसर इक्वल ही आएगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी वैल्यूज़ में फिर डिफ़िकल्टी आ जाती है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि मैथ में जहाँ पर वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही हो तो आप कोशिश करें कि उनको वहीं पर सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि अगर मैं इसको यहाँ पर थ्री को कैंसिल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से हटा दूँ, नहीं। मैथ में हर चीज़ का एक प्रॉपर रूल होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने करना होता है। और यहाँ पे हम अगर थ्री को कैंसिल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे इस वैल्यू को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, इस वैल्यू को हमें थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। और उसको ये नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ थ्री से डिवाइड करेंगे, नहीं, इसका फिर मैथ में ये रूल होता है कि आपने फिर ईच टर्म को उस वैल्यू से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर इसको ख़त्म करने के लिए हमने अपनी सारी टर्म्स को थ्री से हमें डिवाइड करना पड़ना है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू भी थ्री पे डिवाइड होगी, ये वैल्यू भी थ्री पे डिवाइड होगी और ये वैल्यू भी थ्री पे डिवाइड होगी, और फिर ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा। ये थ्री वन ज़ार थ्री और थ्री टू ज़ार क्या होता है सिक्स, और ये थ्री वन ज़ार थ्री और थ्री नाइन्टी नाइन ज़ार क्या होता है टू नाइन्टी सेवन, ठीक है। देखिए ये देखिए टू नाइन्टी सेवन था, इसको अगर हम थ्री पे डिवाइड डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 99। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अब मेरे पास क्या इक्वेशन रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू 99। अगर आप इस इक्वेशन में देखें और इस इक्वेशन में देखें, ये कितनी बड़ी इक्वेशन थी जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब इस यहाँ से आप चाहो तो फैक्टराइजेशन लगाओ, क्वाड्रेटिक लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, यहाँ से भी लगाओ आंसर सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी लगाएं मेथड आंसर सेम आएगा, लेकिन वैल्यू थोड़ी बड़ी और हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन की कंडीशन क्या होती है कि सारी की सारी वैल्यूज़ एक साइड पे होती हैं और जीरो एक साइड पे होता है। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे 99 है प्लस 99 है, इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो ये माइनस 99 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट हो गई है जिसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड के मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि हमें थोड़ी सी रफ वर्किंग करनी पड़ती है फैक्टराइजेशन में भी और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रफ वर्किंग करेंगे, और रफ वर्किंग में हमने क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है और ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, यहाँ पर फर्स्ट में कोई वैल्यू नहीं है, ना फाइव है ना फोर है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें यहाँ पे क्या है वन। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, दोनों लास्ट वैल्यू को और फर्स्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वन मल्टीप्लाई बाय 99 करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 99, ठीक है। अब हमने 99 को इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है, यानी कि इसके इस तरीके से हमने पार्ट्स और फैक्टर्स बनाने हैं कि या उन वैल्यूज़ को प्लस कर दें या उन वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास ये मिडल वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब इसको हमने किस तरीके से ब्रेक डाउन करना होता है, इसको हमने डिवाइड करते जाना होता है डिफरेंट टेबल्स पे, और हमने वो फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 99 एक तो 3 के टेबल पे जा सकता है और एक 9 के टेबल पे जा सकता है, ठीक है। तो इसको और 11 के टेबल पे भी जा सकता है, आप करके देखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको 3 के टेबल पे करके देखती हूँ कि देखें 3 के टेबल पे अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, कौन सा, एक मेरे पास 3 फैक्टर आ रहे हैं और एक मेरे पास 23 फैक्टर आ रहे हैं। अब अगर मैं 23 में से 3 को माइनस करूँ तो 30 आता है, और अगर मैं इनको आपस में ऐड करूँ तो ये आ जाता है 39। तो हमारी मिडल वैल्यू क्या, हमारी है मिडल वैल्यू 2, तो ये तो नहीं आ सकता, तो ये वाला 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर हम 99 को ऐड करके देखते हैं 6 पे, तो ये तो पॉइंट में जा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर 99 को डिवाइड करके देखते हैं 9 पे। अब देखिए 99 को मैंने 9 पे डिवाइड किया तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक मेरे पास किस पे मैंने डिवाइड किया 9 पे, और उससे मेरे पास क्या आ रहा है 11। ये मेरे पास दो फैक्टर्स आए हैं, एक मेरे पास 9 फैक्टर आ गया और एक मेरे पास 11 फैक्टर आ गया।
अब इनको मैं देखती हूँ कि क्या इनको प्लस या माइनस करने से 2 आता है। तो अगर आप 11 में से 9 को माइनस कर दें तो आपके पास 2 आ जाता है, और अगर आप 11 में 9 को ऐड कर दें तो आपके पास 20 आता है। और हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो 11 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है। और हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या है कि हमें 2 चाहिए, तो हमें दो फैक्टर्स चाहिए थे। हमने फर्स्ट फैक्टर फाइंड कर लिया 11, और सेकेंड फैक्टर हमने फाइंड कर लिया 9। आप 9 और 11 लिखें, 11 और 9 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं कि एक फैक्टर है हमारा 11 और दूसरा फैक्टर है हमारा 9। अब ये जो 11 है ना, अब हमने साइन इसके ऊपर, फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। ये जो हमने फैक्टर्स फाइंड किया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमने देखना है कि हम इनके ऊपर साइन किस तरीके से अप्लाई करें, किस वैल्यू को प्लस का साइन दें, किस वैल्यू को माइनस का दें। अब यहाँ पे देखें, आपके जो ये आंसर है ना, आंसर के साथ हमेशा वो साइन लगा होता है जो आपके पास जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसके साथ होता है। तो यहाँ पे प्लस है, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11 है, तो इट्स मीन 11 के साथ यहाँ पे प्लस है। तो फिर अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या करना है, माइनस, तो प्लस यहाँ पे माइनस होगा, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2, और बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा प्लस। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स साथ वेरिएबल लगा हो, तो इसके साथ भी एक्स का वेरिएबल लगाएंगे, इसके साथ भी एक्स का वेरिएबल लगाएंगे, और इसके साथ भी एक्स का वेरिएबल लगाएंगे। अब ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं, 11x में से 9x की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 2x आएगा। ये हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं, ठीक है। अब जब हमारे फैक्टर्स ठीक बन जाते हैं ना फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, तो हमारा आंसर हमेशा ठीक आता है, ठीक है। अगर फैक्टर्स ना ना सही बने तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये हमने फैक्टर्स बनाने थे, ये सारी जो हमने वर्किंग की है, ये हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएं। और कौन से फैक्टर्स, ये जो प्लस 11x और माइनस 9x है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं, लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी कि जो उसका साइन है, जो कुछ है, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने कोई चेंज नहीं किया, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे मिडल वैल्यू आपने नहीं लिखनी, आपने मिडल वैल्यू के फैक्टर्स लिखने हैं। मिडल वैल्यू के फैक्टर्स आपने क्या फाइंड किए हैं, प्लस 11x और माइनस 9x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 11x माइनस 9x। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमने फाइंड किए हैं, ठीक है, प्लस 11x माइनस 9x। अब आपने जब फैक्टर्स फाइंड कर लेने होते हैं, फिर आपने दोनों वैल्यूज़, फर्स्ट टू वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में कर लेना होता है, और सेकंड टू वैल्यूज़ को आपने एक ब्रैकेट में कर देना होता है। ये साइन बाहर ही रहता है, ठीक है। ये एक वैल्यूज़ में, एक ब्रैकेट में हो जाती हैं, और ये एक वैल्यू एक ब्रैकेट में हो जाती हैं। अब आगे हमने सॉल्व करना है। अब देखें, अब हमने इसमें जब हमने इनको ब्रैकेट में कर लेना होता है ना, उसके बाद हमने इनमें कॉमन आइडेंटिफाई करना होता है कि इस ब्रैकेट में क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है और इस ब्रैकेट में क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स इसका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, एक्स। यहाँ पे दो एक्स है ना, एक एक्स कॉमन में चला गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है, इसमें एक ही एक्स था और एक एक्स बाहर चला गया, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 11, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले माइनस आएगा, फिर ये देखें माइनस, माइनस से हमेशा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ के साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो बाहर माइनस होने की वजह से ये अंदर वाला माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है। या चलें पहले हम इसका कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद हम ये कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 9, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो 9 तो कॉमन आ सकते हैं, इसमें 9 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x। और यहाँ पे 9 के 99 को अगर मैं 9 पे डिवाइड करूँ तो ये आता है 11, ठीक है, 11 टाइम्स। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन का आएगा, ये देखें यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो इसके अंदर जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, ना कि माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस होते हैं, ठीक है। अब देखें फैक्टराइजेशन में, यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन पॉइंट होता है कि आपकी ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज अगर मैच कर जाए ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो आंसर है और जो अभी तक आपने प्रोसीजर किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये ब्रैकेट के अंदर पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये एक्स है और यहाँ पे क्या, माइनस 9, एक्स और माइनस 9 को एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया, और ये ब्रैकेट का ऑलरेडी अंदर था, तो एक्स प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लिया। इनको एक दफ़ा लिखने की लॉजिक ये कि कॉमन है ना, एक 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 बात को दो दफ़ा लिखने से अच्छा आप एक ही दफ़ा लिख लो, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है कि हमारे पास कितने आंसर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे,
फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे x प्लस 11 इक्वल टू 0 इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे x रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे x है, ये 11 है, ये 11 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप देखें तो हमारा एक आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 9, और एक हमारे पास क्या x इक्वल टू माइनस 11। अच्छा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 2, एक हमारे पास है 9 और एक हमारे पास है 11। अब ये क्योंकि दो आंसर्स हैं, इनमें से एक आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो उससे आंसर हमारा ठीक आएगा, तो इन दोनों आंसर्स को लगाने से जिसका आंसर ठीक आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे और दूसरे को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रूल होता है। अभी प्रीवियस जब हमने इस टाइप के कंजेक्टिव नंबर्स वाले क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास एक ही ऑलमोस्ट एक्स की वैल्यू आती थी, जिसको हम पुट करते थे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो आंसर्स आए, यानी कि ये भी एक्स की वैल्यू 9 है और ये भी एक्स की वैल्यू माइनस 11 है, तो हमने ये देखने के ये 9 वाला आंसर ठीक है या ये माइनस 11 वाला आंसर ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने कंडीशन में पुट करना है, तो कंडीशन हमारे फर्स्ट पहले हम इसको करते हैं कि 9 को पुट करके देखते हैं और फिर 11 को पुट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इनटू कंडीशन इनटू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या थी कि आपने तीन वेरिएबल्स पोज, तीन कंजेक्टिव नंबर्स पोज करने हैं। फर्स्ट हमने x पोज किया था, फिर हमने x प्लस 1 पोज किया था, फिर हमने x प्लस 2 पोज किया था, तो ये हमने तीन कंजेक्टिव नंबर्स पोज किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने उनका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, और जब आप उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे उससे आपके पास जो आंसर आएगा उनका आपने आपस में सम करना है। तो ये जो तीन प्रोसीजर करने के बाद आपका आंसर 302 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करने लगे, x इक्वल टू 9, तो ये हम लिखेंगे कंसीडर x इक्वल टू 9, यानी कि हम x इक्वल टू 9 की वैल्यूज को सपोज करके अपनी कंडीशन को फुलफिल करके देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब x नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने जब वैल्यूज को सपोज किया था तब हमें कोई वैल्यू पता नहीं थी कि वो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से, सम लेने से हमारे पास ये आंसर आता है। लेकिन अब हमने वो नंबर फाइंड कर लिए, तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखेंगे बल्कि वेरिएबल की बजाय वो नंबर लिखेंगे जो हमने फाइंड किया। तो यहाँ पे एक्स का हमने क्या फाइंड किया, 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस, फिर यहाँ पे x की जगह 9 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर स्क्वायर रूट लिखेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है ना वहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी फाइंड की है, ठीक है। तो वो हमने क्या फाइंड किया, 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है, 81। देखें ये हमारे पास 9 है, इसको स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है, 81। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे 81 प्लस। अब ये फिर फार्मूला बन रहा है, ये क्या फार्मूला बन रहा है, ए और ये बी, ए और बी, ए और बी का क्या होता है, फर्स्ट हमने क्या लिखना होता है, इस फार्मूला को मैंने भी आपको पीछे भी लिख बताया था इसको कैसे ओपन करते हैं, ए और बी वाले फार्मूला को, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है, इस फार्मूला को इस तरीके से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 9 और बी की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्केयर प्लस, मैं भी ब्रैकेट डाल रही हूँ क्योंकि अभी हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, प्लस 2 फार्मूला का, फिर ए की वैल्यू है 9 और फिर बी की वैल्यू क्या है 1, फिर हमें क्या चाहिए, बी स्केयर, बी की वैल्यू क्या है 1 और उसके ऊपर हमने लेना है स्केयर रूट और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अब हमने ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है और फिर यही वाली कंडीशन है, तो हमें पहले क्या चाहिए, ए का स्केयर, ए का यानी कि मतलब 9 का स्केयर लेंगे प्लस 2, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है, फिर हमें बी स्केयर लेना है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2
और उसके ऊपर हमने क्या लेना है, स्केयर रूट और ब्रैकेट क्लोज, और आंसर हमारे पास इक्वल होना चाहिए 302 के। जगह कम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये तो पहले 81 है, 81 ही आएगा, प्लस 9 का स्केयर रूट लेंगे, अभी हमने 9 का स्केयर रूट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 81। तो यहाँ पर हम 81 मेंशन करेंगे। उसके बाद 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 9 को 1 से 2 को 19 से 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास क्या आता है, 18। तो यहाँ पे 18 आ गया, प्लस 1 का स्केयर रूट लें तो 1 ही आता है, ठीक है। फिर आप आगे करें, 9 का स्केयर रूट, 9 का स्केयर रूट लेंगे तो 81 आएगा, प्लस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको आप करते हैं, देखिए 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, 4, ठीक है। और ये आंसर हमारा इक्वल होना चाहिए 302 के। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब इन वैल्यूज को आपस में ऐड करते जाना है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास क्या आंसर आया है, फर्स्ट हमारे पास आंसर है 81, फिर हमारे पास आंसर है 81, फिर हमारे पास आंसर है 18, फिर हमारे पास आंसर है 1, 81, 26 एंड 4, और इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आया, 302। और हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या थी, 302, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये x इक्वल टू 9, इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 302, और जो कि ठीक है। अब यहाँ पे हमने 9 को पुट करके देखा, 9 को पुट करने से हमारा ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, लेकिन अब मैं क्योंकि ये वीडियोस बहुत लेंथी हो गई है, और आपने आप खुद से क्या करना है कि दोबारा से आपने लिखना है पुटिंग वैल्यू इनटू गिवन कंडीशन, फिर आपने ये वाली सारी कंडीशन लिखनी है, फिर उसके अंदर आपने x की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, कंसीडर x इक्वल टू -11, आपने -11x को कंसीडर करना है, फिर आपने उसको इसी सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपका आंसर मे बी 302 के इक्वल आएगा, और या नहीं आएगा, ज़्यादातर चांसेस है नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों आंसर्स में से एक ही आंसर ठीक होता है, और कौन सा आंसर ठीक है, 9 वाला, क्योंकि उसी से हमारा आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये वाला आपने लगा के देखना है, फिर आपने वो भी पेपर में लाजमन मैंशन करके आना है, तो उसके बाद आपने कहना है 10x इक्वल टू 9, ठीक है। तो उसके बाद आपने फाइनल x इक्वल टू 9 लिखना है, और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल्स पोस्ट किए थे, ठीक है, कंजेक्टिव नंबर्स पोस्ट किए थे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखी थी, कंडीशन में उन नंबर्स को फुलफिल उनकी वैल्यूज़ को पुट किया था, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने दोबारा से लिखी, फिर उसको यहाँ पर हमने सिम्प्लीफाई किया, सिम्प्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, उसको हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड थे कि हम किसी मेथड से भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्केयर से भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। तो यहाँ पे हमने जो मेथड अप्लाई किया वो है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने या कोई भी मेथड अप्लाई करने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इससे हमारे पास आंसर तो 2 ही आने थे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आए, और ये हमने रफ वर्किंग की थी फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमने देखना था कि इन दोनों आंसर में से कौन सा आंसर ठीक है, तो उसमें से हमने पहले एक्स की वैल्यू को 9 सपोज किया और उसको सॉल्व करके देखा, फिर उसके बाद आपने खुद से एक्स की वैल्यूज को -11 सपोज करके सारी वर्किंग करनी है, और उसके बाद आपने देखना है कि किस वैल्यू से आंसर इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर इक्वल आ रहा है वो एक्स की वैल्यू 9 सपोज करने से है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया, और एक्स की वैल्यू -11 से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद सॉल्व करना है, और फिर आपने नीचे फाइनल आंसर लिखना है 10x इक्वल 10, दिस कंजेक्टिव नंबर्स इज x x इक्वल टू 9, और यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है।